गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात्परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Now comes to sampling method. Simple random sampling.
ये बेसिकली जब मेरा डेटा या फिर होमोजीनियस होता है, बेसिकली जब मेरा डेटा या फिर होमोजीनियस होता है तब मुझे करना चाहिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेम टाइप के डेटा को बोलते हैं होमोजीनियस, ओनली बॉयज ओनली गर्ल्स, ओके दैट्स नॉट होमोजीनियस। यहाँ पर हर एक यूनिट को एक इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने के लिए, ओके। इसके भी यहाँ पे दो मेथड दी गई, लॉटरी मेथड एक रैंडम नंबर टेबल्स मेथड, दो मेथड दी गई, एक लॉटरी मेथड एक रैंडम नंबर टेबल्स मेथड। उसके रैंडम नंबर टेबल्स में यहाँ पे देखे रखे हैं बाय थ्री पर्सन दैट इज एल एच सी डिफेक्ट रैंडम नंबर टेबल्स, देन फिशर एंड हियर्स रैंडम नंबर टेबल्स, देन रैंडम नंबर टेबल्स ऑफ वैन कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। इन्होंने यहाँ पे रैंडम नंबर टेबल्स यहाँ पे देखे रखे हुए हैं, ठीक है, जिसको मुझे फॉलो करना पड़ता है, ओके। अगर सैंपल सिंपल रैंडम सैंपलिंग करना है जहां पर डेटा मेरे पास होमोजीनियस अवेलेबल होता है, देन कम माय स्टडी फॉर रैंडम सैंपलिंग जहां पे मेरा डेटा हेट्रोजीनियस मतलब वैरायटी जब होती है जिसको मुझे स्ट्रेटिफाइड करना पड़ता है, स्ट्रेटिफिकेशन करना पड़ता है, अलग अलग ग्रुप में कन्वर्ट यहाँ पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं आप उसमें जो मेथड अप्लाई करते हैं रिस्पॉन्स स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सैंपल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैटा हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं इसको जब दो हिस्से में डिवाइड करता हूँ तो दोनों के फीचर सेम होने चाहिए, सिर्फ सारे बॉयज अलग कर दिए गर्ल्स अलग कर दिए, तो मैंने स्ट्रेटिफिकेशन किया, मैंने स्टैटा में ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, ओके। देन कम माय सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए पॉपुलेशन की, ठीक है, क्लास में 60 बच्चे हैं, एक कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद सैंपलिंग इंटरवल्स कितने के गैप में सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ सैंपल कितने लेने, बस 60 बच्चे हैं पर 10 का सैंपल लेना है, गैप कितना रखे, तो गैप रखे भाई यहाँ पे 60/10 तो भाई 6, तो कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करो, सपोज कि भाई 5 सिलेक्ट किया तो 5 के बाद 6 का गैप मतलब 11, देन वापस 6 का गैप तो 16 70, देन वापस 6 का गैप तो भाई 23, वापस 6 का गैप तो भाई 29, तो 6-6 के गैप में, तो ये इंटरवल दिखाता है, ठीक है। एक सैंपल एवरी के डिस्टेंस 6-6 के गैप में मुझे आप चेक यहाँ पे करना है, तो इनके एडवांटेजेस लिमिटेशंस भी आपने दिए हुए जो आपको मैं वहां नोट्स पहुंचा दूंगा। आइडियल सैंपल किसको बोलते हैं, एक सैंपल दी बेस्ट है कैसे बोल सकते हैं, वो रिप्रेजेंट होना चाहिए पॉपुलेशन में से, वो पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए, वो कोई भी बायस नहीं होना चाहिए, किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए, प्रिजुडाइज भी जहां पे काम नहीं करना है कि भाई ये बहुत अच्छा है सिलेक्ट कर लो, ओके ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है भाई चलो सिलेक्ट कर लो, वो भी नहीं होना चाहिए। सिलेक्ट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम भी सिलेक्ट करना चाहिए, आज सिलेक्ट करो फिर 10 दिन के बाद सिलेक्ट करो फिर 20 दिन के बाद सिलेक्ट करो, वो भी नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम भी सिलेक्ट करना है। यूनिट सिलेक्टेड इंडिपेंडेंटली, मुझे यहाँ पे इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट करना है, कोई मुझे बताएगा कि भाई ये नहीं वो चेक कर, ये नहीं वो चेक कर, वो भी मुझे आपने नहीं करना है, मुझे आप इंडिपेंडेंटली आप चेक आपने करना है, जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी, साइज शुड बी एडिक्वेट, ऐसा ना हो कि सैंपल बहुत ज्यादा भी हो जाए और सैंपल बहुत कम भी हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना मुझे। अब सैंपल की साइज सिलेक्ट करना, साइज और सैंपल कैसा होना चाहिए तो डिपेंड करता है मेरे पॉपुलेशन और स्कोप, कहां से सिलेक्ट किया उसके ऊपर। हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन, कितनी वैरायटी है मेरे पॉपुलेशन के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगली बीड कितना मेरे पास टाइम अवेलेबल है, पैसा है, कितने टेक्निकल एक्सपर्ट्स अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एक्यूरेसी, डेटा मुझे कितना परफेक्ट यहाँ पे चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सैम्पलिंग करना है तो किस तरीके से करना है, बेसिकली इट्स अ थ्योरेटिकल चैप्टर, ओके, सो आई गॉट अटैचिंग द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ईच ऑफ द पर्टिकुलर मेथड्स, कुछ सब से देख लेंगे वो सब भी कैसे है और क्या करना है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, बहुत सिंपल है चैप्टर सैम्पलिंग मेथड्स, ओनली थ्योरेटिकल पार्ट, 3 मेथड्स आर देयर, उसको आपको एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन आपको उसके याद करने हैं, जो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में सेट कर ही दूंगा, अटैच साथ में आपको कर ही देता हूं मैं थोड़ी देर के अंदर। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर चैप्टर, वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल चैप्टर है, आपको सिर्फ 2 दिन में ही डन हो जाएगा, कुछ है नहीं चैप्टर के अंदर, इतना थियोरेटिकल है,
मेरे साथ साथ आप पढ़ोगे तो अपने आप से अंत में लर्न होता जाएगा. जस्ट प्रिपेयर द नोट्स, ओके, अलॉन्ग विथ प्रिपेयरिंग द नोट्स स्टार्ट लर्निंग ऑल्सो. क्या प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाए, नोट भी बन गए और आपने लर्न भी यहाँ पे साथ में कर लिया. ओके, सो वॉच टिल द एंड. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. हैव अ नाइस डे. View of a close view of it I am giving it to you so that it will be easy for you to prepare the synopsis. You can see and you can note it down. इस synopsis में काम आएगा. Okay, इतना लिखोगे तो exam में नहीं चलेगा. The type of sample, there are two types, sampling methods, तीन sampling methods है. You can see. This is simple, this is stratified, and this one is systematic. Ideal sample is features and size of sample select karne se pehle mujhe kya cheeze abhi dhyan mein rakhni chahiye. Okay, thank you. Chapter number 7, sampling methods. We have already seen the video, the synopsis I have explained to you. So now it's time for making the notes. So what we got to write in the notes. First of all, the meaning of population, a set or group of all the units or items under study is called the population. A set or group of units selected from the population on the base of some definite criteria is called the sample. अगर मैंने सभी के सभी units को select किए हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं उसकी population. अगर मैंने उसी में से कोई particular conditions के basis पे मैंने कोई numbers अगर select किए हैं तो उसको बोलते हैं भाई वो मेरा यहाँ पर सैंपल यहाँ पे है. सारे के सारे यूनिट्स अगर लेते हैं तो इधर भी कम है पॉपुलेशन. उस सभी यूनिट्स में से कुछ पर्टिकुलर नंबर सिलेक्ट करते हैं फॉर सैंपल ऑन पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे, कंडीशंस के बेसिस पे, दैट बिकम अ पॉपुलेशन. ओके, सो देन पॉपुलेशन आर ऑफ टू, सॉरी, सैंपल आर टू टाइप, सैंपल विद रिप्लेसमेंट एंड सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट. Okay, a sample can be selected with or without replacement from the population. A sample in which each unit is selected from the population after replacing the unit selected earlier in the population. उसको बोलते हैं sample with replacement. वो sample जिसके अंदर मैंने जो number select किया है, जो particular unit यहाँ पर select किया है, उसको वापस से replace कर देता हूँ, वापस से वहीं के वहीं रख देता हूँ, तो उसको बोलते हैं sample with replacement. और वो particular unit को अगर मैं वापस से नहीं रखता उसके अंदर विदाउट रिप्लेसिंग द यूनिट सिलेक्टेड अर्लियर, तो उसको बोलते हैं सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट. तो सैम्पल दो टाइप के, सैम्पल विथ रिप्लेसमेंट एंड सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट. देन कम माई पॉपुलेशन इंक्वायरी एंड सैम्पल इंक्वायरी. दो मेथड इंक्वायरी यहाँ पे करने के. ओके, एक है पॉपुलेशन इंक्वायरी, द इंक्वायरी इन विच इन्फॉर्मेशन इज स्टडीड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन. जितने भी पॉपुलेशन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे किए, जितने भी यूनिट्स उसके अंदर मैंने सिलेक्ट यहाँ पे किए होंगे, अगर मैं हर एक की इंक्वायरी करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन इंक्वायरी और सेंसस इंक्वायरी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, अगर मुझे चेक करना है 11th 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की स्कूल के मार्क्स, सभी के मार्क्स अगर मैं चेक करता हूँ, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इंक्वायरी. ठीक है, द इंक्वायरी इन विद द इंफॉर्मेशन इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ फ्यू यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, पर्टिकुलर यूनिट सिलेक्ट करता हूँ फ्रॉम द पॉपुलेशन में से, उसको बोलते हैं आप सैम्पल इंक्वायरी. 11th 12th के सारे बच्चों के मार्क्स चेक करता हूँ तो पॉपुलेशन की, उसमें से सिलेक्टिव बच्चों के मार्क्स चेक करता हूँ, जिसके आउट ऑफ 40 प्लस मार्क्स आए उसके चेक करता हूँ मैं, कितने के 40 प्लस मार्क्स आए हैं. दैट इज कॉल्ड अ सैम्पल इंक्वायरी. ओके, ब्लड सैंपल, डॉक्टर ब्लड सैंपल लेता है, मम्मी खाना बनाते वक्त मम्मी यहाँ पे टेस्ट के लिए सैंपल करती है, तो डेली लाइफ में हम लोग बहुत जगह पर सैंपल करते हैं. द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग अ सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग करना. सैम्पल को सिलेक्ट करने का तरीका, एक पर्टिकुलर मेथड, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग करना. सो हमें यहाँ पर सैम्पलिंग क्यों करना पड़ता है, वाई इज़ द नीड फॉर सैम्पलिंग. ओके, सो नंबर वन, द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज. जब यहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं तो मुझे सैम्पल कर लेना चाहिए, तो ईजी पड़ता है. यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर स्प्रेड ओवर वाइड जियोग्राफिकल एरिया. यूनिट्स यहाँ वहाँ फैले हो, डेटा कलेक्ट करना, कुछ डेटा यहाँ पर ईस्ट में से मिलता है, कुछ वेस्ट, कुछ साउथ, कुछ नॉर्थ में से मिलता है, तो ज्योग्राफिकल एरिया में अगर लोकेटेड होता है, अलग अलग जगह पर अगर लोकेटेड होता है, इन दैट पर्टिकुलर केसेस
मुझे यहाँ पे सैंपल करना चाहिए। द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी, द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी आर टू बी डिस्ट्रॉयड, जब मुझे अभी यूनिट्स को पे तोड़ना पड़े, डिस्ट्रॉय करना पड़े। सपोज कि भाई चेक करना है ट्यूबलाइट्स, ठीक है, ट्यूबलाइट्स की लाइफ ईयर्स क्या है, तो ट्यूबलाइट्स को मैं हमेशा चालू करके उसकी लाइफ ईयर नहीं गिन सकता। उससे मुझे कुछ पर्टिकुलर सैंपल ले लो, उसके लाइफ ईयर्स चेक कर लो, चालू करके रख दो, कितना टाइम चलता है तो आपको इसके लाइफ ईयर्स मिल जाएंगे। आप सबको सबको चालू करके रख दोगे तो फिर लाइफ ईयर्स बचेगी कैसे बाकी के ट्यूबलाइट्स की, ओके ना। तो जब मुझे आप पे बल्ब को, ट्यूबलाइट्स को लाइफ ईयर्स चेक करना हो, इन दैट केसेस मुझे यहाँ पे ये करना पड़ता है, सैंपल करना पड़ता है, ठीक है। मोबाइल बोलते हैं वाटर प्रूफ मोबाइल है, वाटर प्रूफ मोबाइल का पानी में डाल के रखो, ठीक है। वाटर प्रूफ का मतलब है कि पानी में जाएगा तो कुछ ख़राब नहीं होगा, पानी में ही रहेगा, ठीक है। एक महीने तक पानी में ही रख दोगे उसको तो प्रॉब्लम तो आने ही वाली है ना। सो सैंपल सिलेक्ट किया जाए कि कितने सही और कितने गलत हैं। यहाँ पे लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जब मेरे पास बहुत ही रिसोर्स अवेलेबल हो लिमिट क्वांटिटी के अंदर, से टाइम बहुत ही कम हो, पैसे बहुत ही कम हो, एक्सपर्ट्स बहुत ही कम होते हैं, इस टाइम पे मुझे यहाँ पे सैंपल कर लेना चाहिए। सो स्किपिंग द नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेक्स्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैम्पलिंग टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेज। सैम्पलिंग क्यों कर रहे हो ताकि मुझे यहाँ पे पता चले कि पॉपुलेशन के फीचर्स यहाँ पे क्या है। द मेजर सच एज मीन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये जो हम कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं न्यूमेरिकल डेटा में से फ्रॉम द सैम्पल यूनिट्स, उसको बोलते हैं यहाँ पे सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। ऑल दिस मेजर्स जो पॉपुलेशन डेटा में से कलेक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं भाई पॉपुलेशन पैरामीटर्स या पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। एक आइडियल सैम्पल हम किसको बोल सकते हैं, नंबर वन इट शुड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन में से ही होना चाहिए तो उसको बोलते हैं आइडियल सैम्पल। इट शुड बी रैंडमली सिलेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर टाइम पे सिलेक्ट, रैंडमली कभी भी सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। कभी भी मतलब कि रैंडमली सिलेक्ट करो, ओके, ऐसा नहीं कि नंबर वन नंबर फाइव नंबर सेवन सिलेक्ट करना, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते। उसके बाद द सैम्पल यूनिट शुड बी सिलेक्टेड इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो सारे सैम्पल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने चाहिए और सभी के कंडीशंस भी सेम होने चाहिए, ठीक है। अब अलग अलग टाइम पे सिलेक्ट नहीं कर सकते हो सैम्पल्स को, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सिलेक्ट करो, उसमें ही सब सैम्पल के आप एक साथ में सिलेक्ट कर लो विद द सेम कंडीशंस। नंबर फोर, सिलेक्शन ऑफ सैम्पल यूनिट शुड बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे मैं एक सैम्पल किसी और सैम्पल के ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि एक्स सिलेक्ट होता है तो वाई सिलेक्ट होगा या वाई सिलेक्ट होता है तो ही एक्स सिलेक्ट होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ओके। एंड लास्ट द साइज ऑफ द सैम्पल शुड बी एडिक्वेट एंड डिटरमाइंड इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, भाई कितने सैम्पल लेने हैं ये भी पर्टिकुलर तरीके से फिक्स यहाँ पे कर लेना चाहिए, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सैम्पल मुझे यहाँ पर लेना है, ओके। तो साइज ऑफ सैम्पल डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कितना बड़ा पॉपुलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, स्कोप ऑफ स्टडी, कहाँ से स्टडी किया है, कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, पॉपुलेशन के अंदर कितनी वेराइटी हेट्रोजिनिटी जिसको बोलते हैं वो कितनी ज़्यादा है, रिसोर्स मेरे पास कितना अवेलेबल है, टाइम मनी टेक्निकल एक्सपर्टर्स कितने अवेलेबल है, कितना एक्यूरेट डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सैंपल कितना लेना है। सैम्पलिंग मेथड्स, सो मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैम्पल, सैम्पल को तो सिलेक्ट करना है फ्रॉम द पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग मेथड। तो अलग अलग मेथड्स हमको अवेलेबल होते हैं, तो उसमें से तीन दी बेस्ट मेथड सिलेक्ट किया है, वन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देन सेकेंड इज स्टडी फॉर रैंडम सैम्पलिंग एंड थर्ड इज सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इस मेथड के अंदर द होल पॉपुलेशन इज टेकन एज सिंगल कंपोजिट यूनिट फॉर पर्पस ऑफ सैम्पलिंग, एक पूरा डेटा एक सिंपल कंपोजिट नंबर, मतलब के सब यहाँ पे सेम टाइप के डेटा अवेलेबल होंगे जिसको बोलते हैं यहाँ पे होमोजीनियस भी। और सैम्पलिंग इन विच यूनिट इज सिलेक्टेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन सच ए वे दैट ईच यूनिट बिलोंगिंग टू द पॉपुलेशन, हर एक के पास इक्वल चांस यहाँ पे होता है सैम्पल में सिलेक्ट होने के लिए, उसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग गिव्स रिलायबल रिजल्ट्स, रिजल्ट्स आपको सही मिलते हैं अगर पॉपुलेशन अगर होमोजीनियस है तो। पॉपुलेशन दैट इज पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन पोजेसेस ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे सेम फीचर्स वाले होने चाहिए, सारे बॉयज या सारे गर्ल्स या सारे टीचर्स या सारे मोटर कार या सारे बाइसिकल्स या सारे साइकिल्स, तो सब सेम होने चाहिए, आप उसको उसमें से आपको सैंपल यहाँ पे लेना है। इफ़ द यूनिट्स आर सिलेक्टेड वन बाय वन एंड ईच यूनिट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन आफ्टर रिप्लेसिंग द यूनिट सिलेक्टेड अर्लियर,
अगर मैं इस यूनिट्स का वापस रिप्लेस यहाँ पे कर देता हूँ देन द सैम्पलिंग प्रोसीजर को बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। मतलब एक सिलेक्ट किया वापस उसको मैंने वहीं के वहीं रख दिया तो सैम्पल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। अगर मैं उसको वापस से रिप्लेस यहाँ पे नहीं करता हूँ तो उसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसके भी यहाँ पे दो मेथड दिए हैं, मेथड ऑफ लॉटरी एंड मेथड ऑफ रैंडम नंबर टेबल्स। लॉटरी हमें डिटेल में इसको पढ़ना नहीं है। मेथड रैंडम नंबर टेबल्स देने वाले तीन जने हैं, एक LSC टिपेट रैंडम नंबर टेबल्स, फिशर एंड ईयर्स रैंडम नंबर टेबल्स एंड रैंडम नंबर टेबल्स ऑफ रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना टेबल आपको लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे नहीं है, ओके ना। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर दैट, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो स्कोप ऑफ बायस। हम बायस ना जो प्रीडेस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कि ये सिलेक्ट होगा वो सिलेक्ट होगा, हमें रैंडमली नंबर सेलेक्ट करना है, हर एक के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन के लिए। नंबर टू, द चांसेस दैट अ रैंडम सैंपल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन इज हाई, कि कौन सा सैंपल यहाँ पे सिलेक्ट करना है पॉपुलेशन में से वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज कोई भी नंबर हम सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। एज द साइज ऑफ द सैंपल इंक्रीज, जितना सैंपल बढ़ेगा तो उतना मेरा पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब मैं बोल सकता हूँ पॉपुलेशन मेरा बहुत अच्छा है। जैसे क्लास में अगर चेक करना आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स भाई क्लास में कितने रैंकर्स है, तो मैं रैंकर्स का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट एंड सेकेंड रैंकर्स, तो भाई 10 रैंकर भी है 15 रैंकर भी है, तो आप 15 जनों के मार्कशीट चेक करोगे तो यू विल गेट अ बेटर आंसर कि क्लास कैसा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा 15 जन को चेक करते हो। तो 2 जन को चेक करोगे तो शायद इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन ना मिले मुझे यहाँ पे। तो जितना सैंपल बढ़ेगा उतनी यहाँ पे पॉपुलेशन को उतना रिप्रेजेंट यहाँ पे होगा, पॉपुलेशन यहाँ पे कैसा है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कैसा है उसके बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है अगर सैंपल ज़्यादा लेते हैं सैम्पलिंग करते हैं तो। क्या नुकसान है, अगर कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल नहीं है पॉपुलेशन की तो कंप्लीट लिस्ट नहीं है तो वन सेकेंड सैम्पलिंग सही नहीं होगा। जब पॉपुलेशन की साइज अगर बहुत ज़्यादा होती है तो प्रिपरेशन ऑफ स्लिप्स बनाओ या नंबर्स एलोकेट करो, ये भी काफ़ी टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सैम्पल यूनिट्स विल नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैम्पल इफ द सैम्पल साइज इज स्मॉल, अगर सैम्पल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है पॉपुलेशन के, इफ द सैम्पल साइज अगर बहुत ही कम लेता हूँ पॉपुलेशन का हेट्रोजीनियस है तो, ठीक है पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर नहीं बनेगा जब यहाँ पे सैम्पल की साइज बहुत ही छोटा लेते हैं तो, ठीक है। अगर 100 यूनिट्स चेक करने हैं, 100 यूनिट्स अवेलेबल है उसमें आपको सैम्पल के तौर पर कम से कम आपको 10-15-20 तो लेने ही चाहिए, ठीक है कम से कम 15 तो आपको लेने ही चाहिए यहाँ पे एज अ सैम्पल के तौर पे, ठीक है। आप 2 सैम्पल होगे तो शायद आपको आंसर परफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। सो अगर हेट्रोजीनियस है, वेराइटीज ऑफ डेटा अवेलेबल है, तो आप जो भी सैम्पल यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, ठीक है, अलग अलग स्ट्रेटास में से वो सैम्पल भी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट सही होने चाहिए, साइज उसकी सही होनी चाहिए, ओके। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कसिंग अबाउट स्टडी फॉर रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। टिल दैट टाइम prepare the notes based on the theoretical which is given in the textbook, जो हमने go through यहाँ पर किया है उसके notes बना लीजिए and exam में chances है कि 3 marks, 5 marks, 1 marks में भी इसको पूछे जाएंगे theoretical part. So be careful while preparing the notes. Okay? Stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day. Bye bye, take care.